दिखाया जा रहा है दूल्हे को, और अब से दूल्हे मियां तेज प्रताप कहां पीछे रहने वाले थे, सो वो भी संगीत की धुन पर थिरकने लगे। छोटे भाई तेजस्वी भी खूब ठुमके लगाए। शादी के जश्न में हर कोई सराबोर है, तेज प्रताप और तेजस नहीं रोक पाई। शैलेंद्र, क्या कुछ चल रहा है? पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सपा सांसद डिम्पल यादव भी पटना पहुंचे हैं। अखिलेश और डिम्पल यादव एयरपोर्ट से सीधे लालू आवास पर पहुंचे और लालू आवास पर अखिलेश की मुलाकात लालू यादव से भी हुई। अखिलेश यादव और डिम्पल ने तेज प्रताप की शादी की बधाई दी उनको, और तेज प्रताप को बधाई देने के बाद अखिलेश वापस लखनऊ लौट गए। हम लोग सब शामिल हो रहे हैं और बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बधाई देना चाहते हैं। पारिक मित्र होने के नाते उस परिवार के मैं बहुत खुशी खुशी और बिल्कुल डंके की चोट पे हूं, क्योंकि इन बातों में रिश्ते जो हैं वो अटूट हैं। हमारी बहुत पुरानी आसने कहूं कहें सदियों की हमारी मुलाकात और प्यार है और पहचान है। हम एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। हिंदी में शरीक होने के नाते ये भी कह सकता हूँ कि आप मुझे गार्डियन के रोल में भी देख सकते हैं, एक बहुत अभिन्न मित्र के रोल में देख सकते हैं, एक बहुत ही पुराने और एक दूसरे के वफादार साथी। राजनीतिक दिग्गजों के पटना आने का सिलसिला जारी है। मैंने उनका जो स्वास्थ्य के कारण जमानत हुआ है और इसका स्वागत करते हैं। उनका स्वास्थ्य जो है वो कई तरह के उनको जो बेल मिला हो उसका पूरा भरपूर लाभ उठा करके स्वास्थ्य। आलू परिवार का हर सदस्य मस्ती में डूबा दिखा। इसमें राबड़ी देवी भी डांस करती दिखी। वहीं अपने बड़े भाई की शादी में तेजस्वी यादव भी बेफिक्र होकर बॉलीवुड गानों की धुनों पर झूमते नजर आए। वहीं तेज प्रताप यादव भी अब
बारातियों के लिए चार व्यंजन परोसे जा रहे हैं। कानपुर की इमरती, आगरा का पराठा, अमृतसर का कुलचा और पटना का लिट्टी चोखा खास है। इसके अलावा आम और खास के लिए खाने की थाली में आलू परवल का नम, दाल अरहर, वेज कोफ्ता, कढ़ाई पनीर, जीरा राइस, दही वड़ा, तंदूरी रोटी, नान, पूड़ी, गुलाब जामुन और आलू की टिक्की, चाट, गोलगप्पा, सॉफ्ट ड्रिंक और आइसक्रीम की भी व्यवस्था की गई है। खाने में शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाएगा। देश प्रदेश के आम और खास के लिए यह खाने की थाली तैयार की जा रही है, लेकिन लालू की सेहत के हिसाब से खाने को फायदे नहीं रखा गया है। हम लड़की पक्ष के तरफ काम किया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी। जो है राबड़ी देवी का आवास, उसके बाहर की ये तस्वीरें हम लगातार आप पहुंचे थे, खासतौर पर शादी समारोह में शामिल होने के लिए। उन्होंने लालू परिवार से मुलाकात की, लालू यादव से मुलाकात की, शादी समारोह में भी शामिल होंगे। जी बिहार झारखंड के चैनल के साथ मौजूद रहे। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस तरीके से लालू प्रसाद के साथ नजर आ रहे हैं राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी वहां पर मौजूद थी, वो भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय नेता है उन्होंने उनका स्वागत किया है। आप तस्वीरों में देवेंद्र यादव को देख सकते हैं किस तरीके से वो लोगों की भीड़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में अखिलेश यादव शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं बिहार के, वो वहां पर मौजूद हैं इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया है और वहां पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव का स्वागत किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में अखिलेश यादव शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लेकिन नाते मैं यहां पर शादी में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद तेज प्रताप को।
तेज प्रताप के साथ छोटे भाई तेजस्वी, दोनों भाइयों ने गाने के दिल पर खूब मस्ती की। ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी डांस जो कार्यकर्ता समर्थक वहां पहुंचे थे, मैं वहां गई थी ज्योत्सना, वहां लोगों में जो उत्साह था, एक एक लोग जो वहां पहुंच रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर में शादी हो, और जिस तरीके से वो डांस कर रहे थे खुश थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके ही परिवार में ये शादी हो, सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों के आने का। दूसरी तस्वीर मंडप की है, चंद्र ज्यादा दूरी है नहीं लालू यादव और चंद्रिका राय की आवाज के बीच में, तो ये संभव हो पाएगा कि डोली से। बिल्कुल तुलिका, हम आपस में जब बात कर रहे थे यही बात कर रहे थे कि बहुत ही परंपरागत तरीके से ये शादी की जा रही है, बहुत रॉयल शादी है, और परंपरा का भी पूरा पूरा ख्याल इसमें रखा जा रहा है, जो आजकल डोलियों में विदा करने का रिवाज जो है वो खत्म होता जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और किस तरीके से बारात निकालती है वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। शामिल हो रहे हैं और बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बधाई देना चाहते हैं।
काले चश्मे वाला डांस। शादी को लेकर पूरा लालू परिवार ही जश्न में डूबा हुआ है। बात ऐश्वर्या तेज प्रताप की संगीत सेरेमनी की या फिर हल्दी रस्म, माँ राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी संग सभी बहने डांस धमाल कर रही है। शादी बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने की है और धमाल होना ही है, और ये सिलसिला शादी पूरी होने तक चलता रहेगा। ऐश्वर्या तेज प्रताप की संगीत सेरेमनी की या फिर हल्दी रस्म, माँ राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी संग सभी बहने डांस धमाल कर रही है। शादी बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने की है और धमाल होना ही है, और ये सिलसिला शादी पूरी होने तक चलता रहेगा। जैसे लोग वहां पे हैं, उनको भी लगाया गया है कि
ताकि ये जो परि हुए हैं कलाकार वो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। मंच के ठीक बाईं तरफ एक छोटा मंच बनाया गया है जिस पर लालू प्रसाद यादव ही सिर्फ मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो चिकित्सकों की टीम वहां पे आई है झारखंड से वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ वहां पे मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे जो खास आपने पूछा इसको शाही शादी कही जा रही है, तो इस शाही शादी में खास व्यवस्था दीवाने आम और दीवाने खास की तरह भी की गई है। खाने वालों की भी व्यवस्था वीआईपी वीवीआईपी और आम लोगों के लिए स्टॉल लगाया गया है। अगर आप दाहिनी तरफ हम आपको दिखलाएं तो आम लोगों के लिए पूरा खुला मैदान है और चारों तरफ स्टॉल लगाया गया है। जो राजू श्रीवास्तव एक व्यंग के रूप में कहें या हास्य के रूप में कहते थे कि एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे खाने के जाने के लिए रिक्शा करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो स्थिति भी यहाँ पे बन रही है। लेकिन खास लोगों के खाने के लिए खास इंतजाम दूसरी तरफ किए गए हैं और वहां पर अगर आपको बताएं तो तमाम वो व्यंजन के जो मेन्यू है वो हमने बतलाया था अपने दर्शकों को, लेकिन उसके इतर भी जो खास इंतजाम है वो अभी तक किसी को पता नहीं चला है क्योंकि वहां लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि अगर सबसे पहला जो स्टॉल लगा है वहां पर सिर्फ 16 तरह के फ्रूट्स लगाए गए हैं। जो फ्रूट लंच है वो कहीं ना कहीं 16 तरह का है। गर्मी का चूंकि मौसम है रुपेश, तो ये माना जाए कि इस दृष्टिकोण से ये इंतजाम ध्यान में रखकर किए गए हैं। साथ ही साथ व्यंजन की जब बात होती है, अक्सर हाँ देखा गया है ऐसे आयोजनों में जब जुटान होता है और उसमें भी जब सियासी जगत के तो दिग्गज मिल रहे हो उनके बीच सुरक्षा के लिए ये अंदाज भले ही सियासी है लेकिन प्रेस के लिए भी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विभा। प्रेस के लिए भी यो किसको किसको डिप्यूट किया गया है प्रेस के ऊपर आपको भाई वीरेंद्र जी, ये आयोजन इसका नियंत्रण जिस तरीके से हो रहा है वाकई कितनी की भीड़ इकट्ठी होगी? देखिए भीड़ तो काफी इकट्ठी होगी और बिहार में देश भर के लोग आएंगे जिन्हें निमंत्रण मिला है और जिन्हें आमंत्रित किया गया है और जिन लोग को ऐसे भी पता है वो लोग भी आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। हम लगता है कि 1-2 लाख से ऊपर की भीड़ होगी और व्यवस्था बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश। बिल्कुल परिवार जो आज पार्टी नहीं परिवार नजर आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि हर एक शख्स जो है इस आयोजन में लगा हुआ है कि बराती हुई या फिर सराती हर दृष्टिकोण से ये आयोजन सफल तरीके से हो। और ऐसे वक्त में जब लालू जी के पूरे परिवार पर संकट है, परेशान किया जा रहा है, बेमतलब का उनको हर तरह से परेशान किया जा रहा है, ऐसे समय में हमारा फर्ज बनता है कि उनके हर काम में हम शामिल हैं। सर ये लालू परिवार की तरफ से हो या फिर आरजेडी की तरफ से ये आरोप लगाया है कि जो पैरोल दिया गया वो बहुत देखिए ये सब बातें कानूनी है इस पर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमें तो इसी बात की खुशी है कम से कम अपने बड़े बेटे की विवाह में वे उपस्थित तो रहेंगे, हमें तो इसी बात की खुशी है। बड़ा राजनीतिक जुटान हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा जुटान आने वाला 2019 के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। लालू जी के साथ हम खड़े हुए हैं, जहाँ भी रहेंगे हम लालू जी के साथ रहेंगे। कशिश की पूरी टीम इस महाबारात के महाकवि महाबारात निकलने वाली है। सबसे पहले सबसे अपडेट खबर देखने के लिए आप बने रहिए कल झलक। आपको बता दें कि देश विदेश के जो भी मेहमान आए हैं उनके लिए वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में वीवीआईपी एसी पंडाल बनाया गया है। ये पंडाल वरमाला स्टेज के ठीक सामने है। बाराती पीले रंग के कुर्ते और हरे रंग की पगड़ी में रहेंगे। बारातियों का भी एक ड्रेस कोड डिसाइड हो गया है कि तेज प्रताप की तो जो वर पक्ष और वधु पक्ष है दोनों तरफ से जितने बुजुर्ग होते हैं सबों का वो पूजन किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैर पूजी जिसको कहा जाता है और उसमें वो पैर रंगने की वो परंपरा है जिसको बखूबी निभाया है यूपी के भी लोग क्योंकि यूपी और बिहार की परंपरा लगभग बराबर ही है। जी बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं अखिलेश यादव ने मुलाकात की, आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी और उसके बाद वो वापस चले गए। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और तमाम लोग तेज प्रताप और ऐश्वर्या को शुभकामनाएं दे रहे हैं नए जीवन के लिए।
चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो, आने वाले प्रधानमंत्री हो, चाहे जो लोग भी आने वाले केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं, देशभर के नेता हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। किन किन लोगों के आने की सूचना अभी तक मिली है आप लोगों को? हम तो समझते हैं कि सभी बड़े नेता, जो देश के बड़े नेता, वो सब लोग आ रहे हैं। आपने कहा है राजद परिवार की शादी है, राजद शादी में शरीक होने पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अतिथियों का स्वागत और लोग जो है वो हुजूम में वहां पर पहुंचे हुए सम्मानित कर रहे हैं और उसके बाद सीधे फंक्शन की ओर ये लोग रुख करेंगे तेज प्रताप की शादी में शामिल होने के लिए। अतिथि पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और पहुंचकर आज शाम वेटनरी कॉलेज सीधे जाएंगे ये लोग, उसके बाद वहां पर शादी समारोह में शामिल होंगे। है जहाँ पर अधिक तमाम विधियां जो है वो पूरी की जाएंगी, मेरे लिए जाएंगे। हाँ, एक खास बात जरूर है कि इस पूरे आयोजन में परिवार, जिनमें कि चंद्रिका राय और लालू प्रसाद के परिवार के लोग ही इस दौरान मौजूद होंगे और कुछ खास लोगों को ही यहाँ पर अनुमति दी गई है। और इस बीच तमाम इंतजामों के बीच वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहाँ पर हर रस्म निभाया जाता हुआ पारंपरिक तरीके से, और मीडिया के सामने वो तमाम आम और खास लोग आशीर्वाद की बात कहते हुए नजर आए। आज ये दो सियासी घराने जो हैं आपस में संबंध में जुड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या ऐसे होने जा रही है। 11 की सारी विधियां जो हैं वो संपन्न कर ली जाएंगी, जिसके बाद विदाई भी उसी वक्त की जाएगी। जो जानकारी पंडितों के अनुसार दी गई है, कहा जा रहा है कि रविवार को घर से बेटी की विदाई नहीं की जाती है और ऐसे में सूर्योदय से पूर्व ही विदाई की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। तस्वीरें आपके सामने, ये वो जश्न की तस्वीरें जहां पर डीजे के धुन पर पूरा लालू परिवार झूमता हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी भी झूमती हुई अपनी बेटियों के साथ। जश्न दोगुनी खुशी के साथ आया और ये कहा गया कि बहू ऐश्वर्या लकी बहू के तौर पर है, क्योंकि इसके साथ खुशियां भी अपार आई, राहत मिली। अब यहां से निकलने वाली हैं, आप होंगे बाराती भी स्वागतकर्ता में होंगे, क्योंकि लालू यादव के बेटे, बड़े बेटे की शादी है, तो जो बाराती हैं वो भी स्वागत में रहेंगे, जो सराती हैं वो भी स्वागत में रहेंगे। ठीक जहां पर वरमाला की पूरी तैयारी की गई है, और इसी सफेद रंग की गाड़ी में दुल्हन ऐश्वर्या और उनकी मां मौजूद हैं, जो यहां से सीधे वेटनरी ग्राउंड पहुंचेंगी। 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब
लालू प्रसाद की आवाज से बारात निकलेगी, बखी पर सवार होंगे दूल्हे तेज प्रताप और वो सीधे पहुंचेंगे वेटनरी ग्राउंड। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें दुल्हन ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लगती हुई लाल रंग के जोड़े में ऐश्वर्या अपनी मां के साथ इस गाड़ी से निकली। और ये देखिए गाड़ियों का वो काफिला जिसमें चंद्रिका राय की आवाज से सभी उनके परिजन जो है वो यहां से रवाना होते हुए वेटनरी ग्राउंड के लिए। सहयोगी ब्रिजम हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ब्रिजम, वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाई जिनमें लाल जोड़े में ऐश्वर्या की खूबसूरती और ज्यादा निखरती हुई नजर आ रही थी। और बिल्कुल ऐश्वर्या काफी खूबसूरत नजर आ रही थी, शादी के जोड़े में थी ऐश्वर्या। और आपको बता दें कि खास तौर पे यहाँ जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे उन्हें तैयार करने के लिए तमाम लोग जो आर्टिस्ट आए थे, गाड़ियों की कतार है वो जा रही है, जो रिश्तेदार हैं वो जा रहे हैं, वेटनरी कर रहे हैं। यहाँ पर साज सज्जा की गई है, जो रोशनी चारों तरफ नजर आ रही है, जो लाइटिंग की गई है वो इस खूबसूरती को और ज्यादा निखार। तमाम जो राय ब्रिज तेज प्रताप का पोस्टर लगाया गया है और यहाँ स्वागत किया जाएगा तेज प्रताप का। इसके अलावा मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ उस मंडप की जहाँ ये शादी होनी है, जहाँ तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के हो जाएंगे आज की इस रस्म के बाद, इस शादी के बाद। तो ये मंडप बनाया गया है काफी खूबसूरत बंगाली संस्कृति से, इस मंडप को बनाया गया है। बंगाल से खास तौर पे जो कलाकार है वो आए थे और उन्होंने इस पूरे पंडाल को बनाया है। और आप देखिए किसी भी तरह की कोई नकली फूल नहीं लगाए गए हैं, सारे फूल जो हैं वो असली हैं। और मैं चाहूंगा कि किस तरह से इसकी सजावट की गई है अंदर से, आशीष आप प्लीज अंदर से दिखाएं कि क्या खास है इस पूरे मंडप में। आप देखिए फूलों से पूरा सजाया गया है और एक भीनी खुशबू जो है वो पूरे पंडाल में और पूरे इस वातावरण में है। और यही वजह है कि आप देखिए किस तरह से रिचुअल्स जो है वो किए गए हैं, उसके बाद ये पंडाल पूरी तरह से सजकर तैयार है और चारों तरफ जो है वो चारों तरफ लोगों के बैठने की, यानी कि जो रिश्तेदार होंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि लालू यादव का पूरा परिवार और चंद्रिका राय का पूरा परिवार, दोनों तरफ के रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे और तो हल्का जलपान और खाने की थोड़ी व्यवस्था, यानी कि जो रिश्तेदार है उनको उनके लिए यहाँ किया गया है। बाकी जो 50,000 मेहमान हैं जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनका स्वागत पूरी तरह से वेटनरी कॉलेज में होगा। बिल्कुल, और उस वेटनरी कॉलेज के लिए दुल्हन ऐश्वर्या जो है वो निकल चुकी है। वो तस्वीरें बिल्कुल ब्रिजम, आप हमारे साथ बने रहिए। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, सबसे पहले न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर ऐश्वर्या लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत दिखती हुई, उनके साथ उनकी माँ, उनकी बहन, सभी परिवार के लोग मौजूद। यहाँ से रवानगी हो चुकी है ऐश्वर्या की, जो सीधे यहाँ से वेटनरी ग्राउंड तक पहुंचेंगी जहाँ पर 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वरमाला की विधि संपन्न की जाएगी। पहले वधु पक्ष के लोगों को वेटनरी ग्राउंड तक पहुंचने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उसके बाद वर पक्ष की तरफ से 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बारात निकलेगी लालू आवास से और उसके बाद वेटनरी ग्राउंड पहुंचेगी और इस ग्राउंड में ही वरमाला की विधि संपन्न होगी, जहां पर बेहद खास इंतजाम आम और खास के लिए किए गए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे। मौजूद होगा कुछ फोर्स भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चाहे वो आम हो या खास हो। अशोक जी, जो खबरें आ रही थी, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएंगी और अब ऐश्वर्या निकल चुकी है, अलग से निकल और ये एक झलक जो ऐश्वर्या की दिखाई दी। और साथ में दोस्त सखियां और बहनें भी साथ साथ चल रही हैं ऐश्वर्या के, और ऐश्वर्या बड़ी ही प्यारी लग रही है दुल्हन के जोड़े में, दुल्हन के लिबास में। बिल्कुल, और ये ऐश्वर्या की मैं उनका साथ देते हुए तमाम लोग तैयार हैं और अब सीधे वेटनरी कॉलेज की ओर रुख करने वाले हैं। और ऐश्वर्या की पहली झलक आपको हम दिखा रहे हैं, लालू के लाल
तेईस की होने वाले जीवन साथी जिसके पहली झलक के लिए सब बेकरार है, कैसे बिल्कुल बिल्कुल बेकरार है। और हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे दर्शक नजरें गड़ाए बैठे हैं, जमाए बैठे हैं कि कब वो झलक उन्हें देखने को मिले, और हमने ये झलक उन्हें दिखाई है। बिल्कुल, फुलवरिया के और लालू के घर के लोग जिनकी ये मांग थी कि वो शादी देखना चाहते हैं, और ये पंडित भी बैठ चुके हैं स्टेज के पास, यानी पूरी तैयारी कर, यानी पूरी तैयारी और के लिए भी बिल्कुल। और जैसे कि 6 बजे का समय था बारात के निकलने का, लेकिन 6:30 में ऐश्वर्या तैयार है, यानी टाइम पे है। हाँ बिल्कुल, लालू के यहाँ से बारात अभी नहीं निकली, लड़कियाँ मुस्तैद रहती है तुलिका। बिल्कुल, और बातचीत हुई होगी, और ऐसा लगता है जो कि अब से थोड़ी देर में बारात भी निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन होते रहता होगा कि अब हम निकल रहे हैं और आप लोग भी अब प्रस्थान करने की तैयारी कर। ये देखो तुलिका, सुरक्षा घेरा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है वाली तस्वीर। ऐश्वर्या को आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन इतना खूबसूरत शायद पहले नहीं देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी लग रही है दुल्हन, माथे पे झूमर और नाक में नथ पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही है ऐश्वर्या। और अब सीधे चलते हैं, क्योंकि बारात का निकलना भी जरूरी है जो सीधे चलते हैं लालू प्रताप के, लालू यादव के। जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है, वो तो जिम्मेवारी दी जाती है, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं, और बाकी लोग तो हम लोग भी आए हैं, तो हम लोग तो आमंत्रण है हम लोग को, अगर उस तरह का कोई अच्छा निजी रूप में ही नहीं, निजी रूप में भी और सियासत में भी, सदन के अंदर भी तेजस्वी तो समझते हैं कि आना चाहिए जिन लोग, बहुत लोग आएंगे, आना चाहिए। ये सब समारोह सामाजिक समारोह है, और इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति से अलग की चीज है। बिल्कुल, सामाजिक समारोह है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन बयानों ने कम से कम ये तो जरूरी, जो वधू हैं वो जरा रही थी लाल रंग के लिबास में, वर निकलने वाले हैं उनके गेटअप को लेकर के भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं कि किस तरह का परिधान। बिल्कुल विवाह, क्योंकि सबसे सबको इंतजार जो है वो तेज प्रताप का, यानी कि दूल्हे के लिए बैंड बाजा बराती सब तैयार है, और तस्वीरें निकाला जाते हैं 10 सर्कुलर रोड का। आप देखते हैं इस तरफ हर तरफ लोग खुश हैं, समर्थक खुश हैं, और बारात भी तैयार है, बस इंतजार है तो दूल्हे की के साथ अपने बरातियों के साथ तो कैसे वो दिखते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जब उनका बर्थडे था उस समय उन्होंने सेहरा बांधा था। हमने बिल्कुल 7 बजे वहां यहाँ से निकलेगी, और उसके पहले लेकिन तमाम जो यहाँ बैंड बाजा है करीबन 5 से ज्यादा बैंड जो है वो यहाँ पे बज रहे हैं, हर तरह के पंजाब का जो भी पटना का मशहूर बैंड है वो यहाँ लाया गया, यानी जैसा बता रही है बहुत बड़े बहुत बहुत खूबसूरत दिख रही है उनके लिबास में है। ये देखना होगा लेकिन जो बराती है उसकी तैयार है, जो समर्थन है वो काफी संख्या में आया है, आगो खास के लिए करीब वाले व्यवस्था की गई है, लेकिन जो बराती है वो मैं लोग बहुत प्यारे रखते हैं कि बारात कैसी होती है, बारात दमदार है लेकिन दूल्हे का इंतजार है। और विटनरी ग्राउंड पर पहुंच चुकी हैं दुल्हन ऐश्वर्या, सीधी तस्वीरें आप न्यूज 18 के स्क्रीन पर सबसे पहले देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बेहद ही खूबसूरत लिबास में धारण किए हुए दुल्हन ऐश्वर्या जो कि वेटनरी ग्राउंड पहुंच चुकी हैं, और 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहां पर वरमाला की विधि संपन्न होगी। बेहद खूबसूरत नजर आ रही है लाल रंग के लिबास में, और कहा जा रहा है कि लिबास का चयन भी बड़े ही ध्यान से मां ने खुद किया है, और एक एक चीज का सिलेक्शन उनकी तरफ से किया गया है ताकि इसको पहनकर बेटी ऐश्वर्या जो है आज सबसे खूबसूरत नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे, इसलिए थोड़ी सी दूरी लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा भी मकसद यही होता है कि लोगों तक, जनता तक ये तस्वीरें पहुंचाएं जल्दी।
जारी है। शैलेंद्र, वहाँ पर अंदर की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें से तो लग रहा है कि अब से थोड़ी देर में बारात निकलेगी। जो लोग गेट के बाहर खड़े हैं उनका काफी लंबा इंतजार रहा, सब लंबे इंतजार में है कि कब बारात निकलेगी और कब वो मिल पाएंगे। पुलिस काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही है वहाँ पर शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए थोड़ा वक्त और रह गया है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस मुहूर्त के अनुसार जो जिस समय पर मुहूर्त है उसी समय पर तेज प्रताप निकलेंगे। लगभग 7 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन समय थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है। सबों को इंतजार है कि अब तेज प्रताप की बारात निकले। हम भी मौजूद हैं, वो इस इंतजार में है कि वो इस क्षण को कवर करें, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को पूरे तय बेटे की शादी है यहाँ पर, जिसकी कई तरीके की चीजें तैयारी चल रही है बारात निकलने की, ये हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। काफी हलचल का माहौल यहाँ घर के अंदर, तैयारियां लगभग पूरी, हर एक इंतजाम को बारीकियों से देखा जा रहा है, पूरी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। शैलेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि आप तो नहीं देख सकते, लेकिन हम देख पा रहे हैं और दर्शकों को दिखाना चाहते हैं ऐश्वर्या घर से निकलते हुए गाड़ी में बैठते हुए उनके परिजनों के साथ, दुल्हन के वेश में काफी खूबसूरत लगती हुई ऐश्वर्या और उनकी माँ यानी लालू की समधन भी काफी कहर ढा रही है। और ये सब लोग उस स्थल के लिए रवाना होते हुए जहाँ पर जयमाल का बंदोबस्त किया गया है, और अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ऐश्वर्या पहुंच गई है, क्योंकि दुल्हन के साथ बारात नहीं होती लेकिन थोड़ा आसान होता है दुल्हन को जल्द से पहुंच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तुलिका, और दुल्हन को पहले पहुंचना ही होता है क्योंकि कई बार वहां मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है कि किस तरह से वरमाला पहनाई जाएगी और बाकी रस्मों को कैसे निभाया जाए। इसमें के तहत ये लड़की पहले पहुंच गई है क्योंकि जयमाल की पहले भी कुछ रस्में होती हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको चंद्रिका राय की आवाज के पास से दिखा रहे हैं जब पूरा परिवार लोग पहुंचने वाले हैं, निकलने वाले हैं। जो तस्वीरें हमारे सहयोगी शैलेंद्र बहुत मुश्किल से कह सकते हैं झरोखे के अंदर से वो मुश्किल हालात में वो तस्वीरें निकालकर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उसमें ये दिख रहा है कि घर के अंदर भी चहलकदमी थोड़ी सी तेज हो गई है, जैसे बारात के निकलने के पहले का जो तमाम लोग शादी को लेकर जितने उत्साहित हैं वो चेहरे साफ बयां कर रहे हैं। और दुल्हन पहुंच चुकी है वेटनरी कॉलेज, लालू के लाल तेज प्रताप की बारात निकलने वाली है जिसका इंतजार हो रहा है, रस्में निभाई जा रही हैं, उसके बाद बड़े शान से बारात निकलेगी। कैसे घोड़े गाड़ी बैंड बाजा बारात सब तैयार है, बस घर वालों के घर से निकलने की देर है जब वो बाहर निकलेंगे और वेटनरी कॉलेज तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम आपको उसके आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से एक दो लोग के खूबसूरत जोड़े में बदल जाते हैं और किस तरीके से ये शादी संपन्न कराई जाती है। वो बारात लेके आएंगे और तब जो एक समारोह है वो होगा, और उससे पहले जो VIPs के आने का सिलसिला वो शुरू हो गया है। कृष्ण नंदन वर्मा अपने लोगों को दिन पहले देखा कि वो आए हैं, व्यवस्था है यहाँ पर, और वो सब अब जो 3200 स्टॉल है उनके खाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि समारोह अपने रूप में आने लगा है और कुछ ही देर में जब बारात वहां से चलेगी आएगी और तब और चीजें होंगी। यहाँ विशेष बात यह है कि एक जो लालू जी के बैठने के लिए अलग से एक स्टेज बनाया गया है और ये बताया गया कि वहाँ उनसे आम लोग या बहुत कुछ खासी लोग वहाँ मिल सकेंगे। तो इतने लोगों के खाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, एक साथ में इतने लोग खाएंगे, और चूंकि जब ये तादाद 12-14 हजार तो पहले बताई जा रही थी, बाद में रामचंद्र पूर्वे ने भी कहा कि लगभग 50 हजार तक भी लोग हो सकते हैं जो खाने पहुंचेंगे वहां पर, तो बहुत लंबा वक्त लगेगा और शायद यही वजह है कि अभी से शुरू कर दिया गया है। हम फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे। वापस तेज प्रताप पहुंचेंगे और शादी की बाकी रस्में जो है वहां पर होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, राबड़ी आवास पर मौजूद हैं, साथ ही वेटनरी कॉलेज से जुड़े हुए। सबको इंतजार है कि दूल्हे राजा कब बाहर निकलेंगे। जो 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है जो उसका गेट है उसके तरफ सबने लिख आए हैं, और इसी तरफ से कई बैंड जो है यहाँ पे आप कर रहे हैं, और हर तरह की व्यवस्था की गई है समर्थकों को खुश करने के लिए, बराती को शानदार शानदार बनाने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। प्रताप यादव शेराबाद आए थे बराती में, अब लोगों का इंतजार
काफी शोर शराबा है और बाराती जो है दूर दूर तक दिख रहे हैं आपके पास। लौटेंगे तस्वीरें आप दिखाते, बाराती ही बाराती दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के आवाज से बारात भले ही निकलने वाली हो, थोड़ा विलंब हो उसमें, लेकिन ऐश्वर्या राय यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले, चंद मिनट पहले, ऐश्वर्या राय यहाँ पर दुल्हन की लिबास में लाल जोड़े में यहाँ पर ऐश्वर्या राय पहुंची थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी थी परिवार के, कुछ यहाँ पे पहुंची है दुल्हन की लिबास में, लेकिन तेज प्रताप पिंक कलर की शेरवानी में यहाँ पे पहुंचेंगे, जो कि मुंबई के किसी कलाकार ने और मुंबई के जो फैशन डिजाइनर है बहुत मशहूर, उन्होंने उसको डिजाइन किया है। पजामा अमृतसर से मंगाया गया है और लखनऊ से जो जूता है, जो मोगरी जिसको कहते हैं, वो मोगरी लखनऊ से बुलाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर तेज प्रताप जब बाहर निकलेंगे तो दूल्हे की एक झलक मिलेगी, लेकिन परिवार के लोगों ने जो बताया है कि किस लिबास में तेज प्रताप दूल्हे के रूप में सज करके बाहर निकलेंगे, लेकिन सबने एक झलक देखी है ऐश्वर्या राय की। और आपने पूछा कि यहाँ पर स्वागत की क्या तैयारियां हैं, बिल्कुल स्वागत की अगर तैयारियों की बात करें तो बाराती ही साराती है, साराती ही बाराती है। ये एक परिवार की शादी लग रही है कि राजद परिवार की शादी है। पहले भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से राजद के तमाम विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद और जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबने एक बैठक की थी, बैठक के बाद सबकी जिम्मेदारी तय के स्टॉल पे, क्योंकि बहुत लंबे लंबी चौड़ी व्यवस्था है, लंबे चौड़े स्टॉल बनाए गए हैं, और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि सियासत अपनी जगह है, तमाम सदन अपनी जगह पर है, लेकिन संबंध अपनी जगह पे है। हम लोग सियासत दान है। तेज प्रताप यादव के विवाह में शामिल होंगे, बारात वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचने के बाद नीतीश कुमार शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, वेटनरी कॉलेज जब बारात पहुंचेगी उसके बाद नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, हालांकि पहले भी ये बात कही जा रही थी शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े। आपको बता दें कि 1,85,000 फूल लगाए गए हैं और ये देखिए किस तरह से खूबसूरत तरीके से इसे अलीम की ये वो जगह है जहां ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप की शादी होनी है। तमाम जो लोग हैं, तमाम जगह जो है वो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के किसी परिवार के दूसरे परिवार सराती है, यानी कि सबके दूल्हे राजा का ही है। तेज प्रताप यादव जब सहराबाद कर बाहर निकलेंगे, चूंकि राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड, यहाँ से इस गेट की तरफ सब लोग देख रहे हैं, लोग समर्थकों का एक बड़ा हुजूम इस तरफ आ जाता है। और दाहिनी तरफ देखिए लोग समर्थक किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, चूंकि बैंड बाजा तैयार है, इंतजार बस दूल्हे का है। और किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि सबसे चहेते उनके तेज प्रताप आरजेडी परिवार जो है वो नाच रहा है, झूम रहा है, और सबको इंतजार है कब तेज प्रताप यादव सर पे सेहरा बांध कर बाहर निकलेंगे और कैसा उनका परिधान होगा। बेहद खूबसूरत लिबास में जो खबरें आ रही है, बेहद खूबसूरत लिबास में तेज प्रताप यादव सेहरा बांध कर बाहर निकलेंगे, क्या कुछ तस्वीरें होंगी। और लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, और जो समर्थक है वो भी काफी उत्साहित है, उनके घर वाले उत्साहित है और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब तेज प्रताप बाहर आएगी। दाहिनी तरफ मुंबई से आए हुए कलाकार हैं जो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जो दरभंगा के काफी खुश है यहाँ पर लग रहे तैयार हो गई अपनी शादी के लिए, और वहाँ से वो उन्होंने रुक किया वेटनरी कॉलेज का, पहुँच भी गई वेटनरी कॉलेज अपनी माँ के साथ रुक। काफी भीड़ रहती है उनकी, हुजूम लगा रहता है, उनको तस्वीर निकाल। हमारे रिपोर्ट है उधर। खाने पीने की बात करें तो वो जो कलाकार हैं, जो खाना बनाएंगे, जो खाम सामे कह सकते हैं, वो भी वहाँ से बुलाए गए हैं, और एंटरटेनमेंट का व्यवस्था बंदोबस्त किया गया है। आमतौर से जब किसी के घर में शादी हो अपनी माँ के साथ, और ये वो तस्वीर जब वो सज धज कर तैयार हो गई है दुल्हन के लिबास में, और अपनी माँ और अपने पूरे बंधु बांधव के साथ वो पहुंचे हैं तेज प्रताप की शादी में वरवधु को आशीर्वाद देने। और ये आरजेडी ऑफिस की तस्वीर जहां आरजेडी समर्थक नाचते गाते झूमते अपने प्रिय नेता की बारात में जा आगे बैंड बाजा आए
आए दुर्गे राजा गोरी को दरवाजा कार्यकर्ता को मालिक बनाने की हो रही कोशिश कमेटी को बताया गैर कानूनी। नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता। सिमडेगा में स्कारों के सरस्वती विद्या मंदिर में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। छात्रा की शिकायत पर प्रिंसिपल ने लगाई थी फटकार। छात्र की हालत खतरे से बाहर। राजधानी से लेकर कोलांचल तक पानी पर घमासान। रांची में पानी की किल्लत पर हंगामा। धनबाद में पाइपलाइन को लेकर आमने सामने विधायक और मेयर। और राजधानी की सड़कों पर अवैध ऑटो रिक्शा के परिचालन पर लगेगा ब्रेक। ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम क्षेत्र में चलने वाले ऑटो के लिए जारी किया QR कोड। जाम की समस्या में आ सकती है कमी। नगर के सनूरिया से
पहले की अर्जुन की तस्वीरें जब रथ पे निभाई जा चुका है, धीरे धीरे बाराती अब निकल रहे हैं और देख सकते हैं तेजस्वी बैठे हुए आगे में और घर के लोग प्रस्थान कर रहे हैं। गाड़ियों में बाकायदा नंबरिंग की गई, 18 नंबर की गाड़ी आगे गई और उसके बाद तमाम गाड़ियां जिसमें परिवार के लोग और तमाम बहने, उनकी 7 बहने हैं, लिहाजा काफी संख्या में लोग उस बहने जीजा और तेजस्वी तमाम लोग रिश्तेदार नातेदार जो है सबके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुहूर्त निर्धारित किया गया है जयमाल के लिए और उसके बाद द्वार पूजे के लिए, तो मुहूर्त के हिसाब से काफी काम किया जाता है लालू आवास में। तेज प्रताप भी काफी धर्म अपना उनका रुचि होता है, तो हर काम तय मुहूर्त पर ही किया जाता है और लिहाजा बारात निकली है 7:35 हो रहा है इस वक्त और होगी बारात की रफ्तार चूंकि धीमी होती है तो उम्मीद की जा रही है कि आधा घंटा 45 वेटनरी कॉलेज तक पहुंचने में और बैंड बाजे बज रहे हैं और 51 बैंड बाजे जो हैं उनके आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि गाड़ियों का काफिला अब निकला है और तमाम बाराती इन गाड़ियों के माध्यम से पहुंचने की तैयारी में है। दुल्हन पहले ही पहुंच चुकी है और ये दूल्हे की गाड़ी को देखिए किस तरीके से खूबसूरती से इस गाड़ी को सजाया गया है। तेज प्रताप जो है वो बैठे हुए आगे में और अब रुख कर रहे हैं लोग उस स्थल के लिए जहां पर जयमाल का बंदोबस्त किया गया है और वहां पर जयमाल किया जाएगा। दूल्हे को देख सकते हैं आप, काफी खबर है साहिबा जी, आप देख सकते तस्वीरों में किस प्रकार दूल्हे जो है दुल्हनिया जो है ग्रीन कलर की कहते हैं शेरवानी में है और काफी खूबसूरती से उनकी जो कार है। साहिबा पीछे राबड़ी देवी भी देखी जा सकती है, क्या आप भी देख पा रही है कि राबड़ी देवी पीछे बैठी है? अब तस्वीरों में साफ तो नहीं दिख रहा लेकिन दुल्हनिया सबको अभिवादन करते नजर आ रहे हैं तस्वीरों में देख सकते हैं हम और सबको सुबह से ही मीडिया के लोग वहां पहुंच चुके थे एक झलक पाने के लिए देखने के लिए। हालांकि इजाजत तो नहीं मिली कि मीडिया अंदर जा सके लेकिन सबका इंतजार रहा और अब ये मीडिया के लोग टूट पड़े हैं दूल्हे की गाड़ी के ऊपर ताकि तस्वीर खींच सके और फिर लोगों तक पहुंचा सके। सबको इंतजार था इस पल का और अब बैठेंगे तमाम जो परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, राजनीतिक शख्सियत के तौर पर जो मेहमान आए हुए हैं वो सब लोग जाकर वर वधु को आशीर्वाद देंगे। तो तस्वीरें वाकई खास रहने वाली है, जब स्टेज पर दोनों मौजूद होंगे ऐश्वर्या और साथ ही साथ तेज प्रताप की तस्वीरों में जब अलग अलग निकली है अपने घर से, जब ऐश्वर्या निकली थी और अपने घर से जब तेज प्रताप निकले थे शादी समारोह स्थल पर पहुंचने के लिए काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए इंतजार का लम्हा है, ये इंतजार का लम्हा इस वक्त वेटनरी ग्राउंड में है क्योंकि तेज प्रताप निकल तो चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वेटनरी ग्राउंड में पहुंचेंगे। जब तेज प्रताप वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद फिर आगे ये शादी समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो देखिए जैसा हमने आपको बताया कि तेज प्रताप की बहन भी एक गाड़ी में बैठकर विवाह स्थल तक पहुंच रही है। तो परिवार के लोगों का अलग अलग गाड़ियों में जाकर पहुंचने का सिलसिला शुरू है, घर से वो निकल रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोग सज धज कर पूरी तरह से तैयार होकर रवाना हो रहे हैं वैवाहिक स्थल पर, यानी वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड पर वो सब लोग पहुंचने की। और बात अगर करें तो देखिए कुछ और तस्वीरें खास इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, पूरी तरह से सजी हुई गाड़ी और तेज प्रताप उसमें सवार होकर, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, तेज प्रताप गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं और जैसा हमने बताया कि ये देखिए राबड़ी देवी भी इसी गाड़ी में हैं और लालू प्रसाद यादव भी साफा पहने हुए। जी हाँ, तो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने अब से पहले अपनी बेटियों की शादी की और अब अपने बेटे की बारात लेकर निकल चुके हैं पति लालू यादव और पत्नी साथ में बैठी राबड़ी देवी और अगली सीट पर बेटे तेज प्रताप की बारात को लेकर लालू यादव निकल चुके हैं और पिंक कलर का साफा पहने हुए लालू यादव। जाहिर तौर पर ये परंपरा है, ये देश में रीति रिवाज है कि जब सर पर साफा पहने होते हैं, खासतौर पर जो पिता होते हैं वो पगड़ी पहनकर वो भी साफा पहनकर निकलते हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने से, सिर पर कुमकुम का तिलक लगाए हुए थोड़ा
इस वजह से एक कहा जा सकता है कि तेज प्रताप बिल्कुल शांत चित्त मुद्रा में बैठे हैं क्योंकि काफी भीड़ वहां पर है। लालू थोड़ा बेचैन, यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ा जाम की स्थिति वहां पर बन रही है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, थोड़ा सा इस चीज की दिक्कत में जरूर दिखते हुए, लेकिन ये वेटरनरी कॉलेज के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल ठीक, ये जो सर्कुलर रोड पर आवास है यादव परिवार का, लालू परिवार का जो आवास है, वहां से सीधा निकलकर वेटरनरी कॉलेज के लिए जाया जा रहा है। एक्सप्रेस तस्वीरें बिल्कुल सीधे गाड़ी के आगे से यहाँ जी बिहार झारखंड की टीम और जो हमारे सहयोगी अमित और हमारे कैमरा पर्सन साथी मौजूद है, लगातार कोशिश यही है कि इस शादी समारोह की एक एक पल की तस्वीर जो खास है, जो बिहार के, झारखंड के और अलग अलग लोग दर्शक इन तस्वीरों को देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारी ये कोशिश है कि इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाएं। देखिए बिल्कुल नजदीक से हमने फिर से आपको बताया कि क्रीम कलर का ये शेरवानी जिस पर गोल्डन कलर की जरदोई का काम किया हुआ, सिर पर साफा पहने हुए और तिलक लगाए हुए बाकायदा पूरी तरह से तैयार और सज धज कर अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए निकल चुके हैं। यादव जो है वो सहरा पहन के निकले हैं अपनी दुल्हनिया को लाने, और आप देख रहे हैं कि यहाँ तेज प्रताप यादव जो है वो अपने माता पिता के साथ, राबड़ी देवी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, दोनों निकले हैं बेटे के साथ अपने घर की बहुरानी लाने के लिए। हालांकि काफी भीड़ है बारात में, चुकी प्रदेश भर से लोगों को लालू प्रसाद यादव ने बुलाया था कि आप मेरे बेटे के शादी में शामिल होने आइए, लेकिन यहाँ पे बुलावे में सभी लोग आए हैं और अब जाकर ये जो बारात निकली है जिसमें भीड़ काफी है और इसके कारण से पुलिस प्रशासन को, बॉडी गार्ड को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन नंद झा के साथ अमित कुमार, टीम इंडिया, पटना। हमारे सहयोगी अमित जायजा जो ले रहे थे किस तरह से वो पसीने में तर बतर थे, लेकिन कोशिश यही कि किसी भी तौर पर कोई तस्वीर इस शादी से जुड़ी हुई तस्वीरें देख सकते हैं। पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लालू राबड़ी आवास की कर निकल पड़े हैं ऐश्वर्या को दुल्हन बनाने के लिए। तो ये बारात की तस्वीरें आप देखिए, ढोल बाजे नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ निकले हैं तेज। तो बैंड बाजा और बारात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड से तेज प्रताप की बारात निकल चुकी है और ये बारात फिलहाल वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड जाएगी, जहां पर बारातियों का स्वागत किया जाएगा और फिर वहां पर मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, इसके अलावा कई वीवीआईपी मेहमान पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बारात जहां पहुंची है वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की, वहां की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरी तस्वीर जब बारात 10 सर्कुलर रोड से निकली थी, यानी कि लालू राबड़ी आवास से निकली थी। और कई तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिले, कई तरह के नजारे देखने को मिले और हर कॉलेज पहुंच
कि आज का दिन काफी दिनों से इसका इंतजार था और आज वो दिन आ ही गया और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश प्रताप की, जो वो अब अपने दुल्हन की मिलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल देश प्रताप के हाथों में मेहंदी लगी हुई है जिससे वो सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर जहाँ पर बाराज धीरे धीरे वो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो बाराती की तस्वीर जहाँ सड़कों पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और जो बारात है वो धीरे धीरे, आप देख सकते हैं कि हनुमान जी की तरह एक जो बैलगाड़ी है इस्तेमाल होता है शादी में, कहते हैं कि शिव की बारात में बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। तो हमने आपको सुबह भी एक तस्वीर दिखाई थी जो तेज प्रताप के लालू आवास के बाहर ऐश्वर्या और तेज प्रताप को शिव पार्वती के रूप में दिखाया गया था, तो यहाँ उसी प्रकार शिव बारात की तरह ही एक बारात निकाली जाएगी जिसमें हाथी ऊंच घोड़े नजर आ रहे हैं और तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आगे धीरे धीरे बारात की तस्वीर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है वेटनरी कॉलेज की ओर। और इसमें इस शादी में तमाम मॉडर्न चीजों की बात कर लें या फिर चीजों की बात कर लें इसमें इस्तेमाल किया गया है और आप देख सकते हैं कि कितने खुश नजर हैं लालू के समर्थकों की बात कर लें या फिर हम लालू के कार्यकर्ताओं की बात कर लें, तमाम वो भी काफी खुश नजर हैं। लालू की बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी है, आज का दिन इंतजार सभी को था। बात करने लालू के थोड़े कंफ्यूजन में लग रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है जैसे रैली में जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद है यार की शादी है, थोड़ा नाच लो और इस जश्न को मना लो। तस्वीरें आप बारात की देख रहे हैं, लालू के लाल की बारात निकली है, लिहाजा ये भी सभा की और उसके परिवार के लोग जाते हुए एक एक करके जो गाड़ियां निकल रही है उनके बारे में आपको बताते जा रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं जिस तरीके से देख रहे हैं, सास बहने अपने भाई की बारात लेकर निकली है और इसके साथ तेजस्वी भी निकले हैं और तमाम पहले जाकर ये लोग वहाँ के बंदोबस्त को देखेंगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तमाम ये देखिए दूल्हे की गाड़ी आई और उसके आगे तमाम जो भाई बहन है उनकी गाड़ियां जा रही हैं, काफी रफ्तार में ये लोग जा रहे हैं, लगता है कि पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। जैसा कि अंदाजा हम लगा रहे थे कि बारात की जो रफ्तार होती है वो काफी धीमी होती है, लेकिन चूंकि घर पे ही देर हो गई है साहिबा इसलिए थोड़ी जल्दी में। और ये देखिए पहली बार लालू यादव की स्पष्ट तस्वीर देखिए राबड़ी के साथ बैठे हुए बेटे की शादी की तैयारी में, गुलाबी साफा बांधे हुए लालू यादव और गजरा लगाए हुए राबड़ी देवी काफी खुश पहली बार बेटे की बारात निकाल रहे हैं। 11 बार स्वागत कर चुके हैं, 7 बार माफ कीजिएगा 7 बार बारात का स्वागत कर चुके हैं, पहला मौका होगा जब बारात लेकर निकले हैं लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और इंतजार हो रहा है चंद्रिका राय और उनकी पत्नी और ऐश्वर्या जो पहुंच चुके हैं वेटनरी कॉलेज, वहां इंतजार कर रहे हैं वो लोग बारात का, लिहाजा ये जो जल्दी है उसकी भी हो सकती है। ये तेजस्वी की तस्वीर, तेज प्रताप की गाड़ी के पीछे पीछे गुलाबी साफा तेजस्वी नीचे बांधा है और रुख कर रहे हैं लोग बारात की ओर। पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी बारात जो है वो वहां पहुंच सके। ट्रैफिक पुलिस भी काफी चुस्त दुरुस्ती के साथ काम कर रही है और लोगों को जल्दी जल्दी पहुंचने की बात बताई जा रही है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था पूरा इस वक्त चरमरा गया होगा साइबोस इलाके का। लालू आवास से जो एयरपोर्ट होते हुए जो वेटनरी कॉलेज रास्ता जाता है जल्दी से जल्दी पहुंचाने की जद्दोजहद होगी क्योंकि सबको हर कोई यही चाहता है कि जो काम हो रहा है वो शांत और अच्छे तरीके से पूरा हो जाए और जिस तादाद में लोग तमाम लोग खासतौर पर पूरा का पूरा जो परिवार है ऐश्वर्या जो कि अब कुछ ही देर बाद सात फेरे लेने वाली हैं लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के साथ, और वो तस्वीरें प्रताप यादव सवार होकर अपनी माँ और पिता यानी लालू प्रसाद यादव और जाती है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से भारी भीड़ है और भारी भीड़ के अलावा मीडिया का हुजूम वहां पर है, वो आरजेडी के समर्थक है, बाकी जो लोग समर्थक है, बाकी जो आमजन है जो देखना चाहते हैं इन शादी की तस्वीरों को, वो भी कहीं ना कहीं आसपास से गुजर रहे हैं, उसको देखने के लिए बेताब और बेचैन है। 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी आवास है, लालू आवास है, वहां से
सवार होकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त थी जब गाड़ी में सवार होकर अपने माँ बाप के साथ यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ इस गाड़ी में सवार होकर निकले। बहुत ही शांत दिखाई देते हुए यहाँ तेज प्रताप यादव और पूरी तरह से जो देखिए सड़कों पर काफी संख्या में लोग और आम जन भी जो इस वक्त सड़कों से गुजर रहे होंगे, थोड़ी इनको दिक्कत भले ही हो रही होगी लेकिन जिस तरीके से सबको पता है कि आज का दिन खास है, 10 सर्कल रोड से बारात निकली है, जो विवाह स्थल है यानी वेटनरी कॉलेज का जो खेल मैदान है क्योंकि पटना एयरपोर्ट के नजदीक है, तो इस पूरे डिस्टेंस को कवर करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं काफी संख्या में लोग। ये देखिए फिर से तस्वीरें आपके सामने, ये उस जगह की वेटनरी कॉलेज का ये मैदान जहाँ पर तैयारी की गई है। ये मंच जो दूर से दिखाई दे रहा है, बाईं तस्वीर को अगर आप देखें, दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं, बाईं तस्वीर को अगर आप देखें जो लड़ी जो लाइट्स वहां पर लगी हुई है, ये वो मंच जहां पर जयमाला का कार्यक्रम होगा, एक दूसरे के एक दूजे के होंगे जब तेज प्रताप और ऐश्वर्य राय। उस दौरान कोशिश की गई है, इस तरह से तैयारी की गई है कि मंच ऊंचा बनाया गया है क्योंकि कहा जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा मेहमान इस शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये काफिला जो गाड़ियों का गुजर रहा है और वो उनके साथ बारातियों का हो जो उमड़ पड़ा है, लोग बड़ी संख्या में वेटनरी ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज अनूप तेज प्रताप यादव का विवाह है और इस मौके पर बारात लालू राबड़ी आवास से निकल कर वेटनरी ग्राउंड जा रही है और इस वक्त जो आप देख रहे हैं मिलिट्री बैंड गुजर रहा है और उसके साथ पीछे पीछे बारात भी निकली हुई है और जो तमाम बाराती है वो इसके साथ साथ निकल रहे हैं। गाड़ियों का काफिला लगा हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड के पास हूं और गाड़ियों का काफिला है, अंत नहीं दिखाई दे रहा बारात का। और ये आनंद ये बता रहे कितना वक्त लगेगा इस बारात को वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचने में, क्योंकि बारात है और काफी धीमे धीरे धीरे बाराती बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए अनूप, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि बारातियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द बारात पहुंचे, लेकिन मैंने जो आपको कहूं मैं हर कोई इस बारात में शामिल होने जा रहा है। किसके विवाह में जा रही है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए कुछ बाराती हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं, लोग गाड़ियों से हैं, पैदल हैं, जिसे जैसे समझ में आ रहा है वो इस बारात में शामिल हो रहे हैं और इस बारात में शामिल होकर इस बारात की रौनक बन रहे हैं। और इस वक्त जो आप दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कई तरह का बैंड है इसमें और गायक भी है, सिंगर भी है, वो भी इस बारात में शामिल हो रहे हैं। और इस बारात की जो सबसे खासियत है मैं आपको बताऊं कि इसमें आम और खास का कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है, हर कोई इस बारात में सब कोशिश कर रहे हैं कुछ और भी बारातियों से बात करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं बल्कि सैकड़ों की संख्या में वाहनों का कतार लगा हुआ है इसमें और हर कोई इसमें शामिल हो रहा है इस बारात में। और अनु सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो आम लोग हैं जिन्हें गुजरना है उन्हें भी जाने दिया जा रहा है और बारात भी आसान से जा रही है, तो ये आपको दिखाने को कोशिश कर रहे हैं बारात का नजारा और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ वीआईपीओ से बात करने की। और ये आप बारात का जो बैंड बाजा उसका बाजा सुनिए अनुप, शामिल होकर तमाम लोग वेटनरी ग्राउंड जा रहे हैं और वेटनरी ग्राउंड पर इस विवाह समारोह में शामिल होंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का बारात जा रहा है, आप कैमरा मैन दीपक सागरा कर देंगे, अनुप कुछ और लोग भी हैं इससे बनकर भैया पता चलिए, एक सेकंड भैया रुकिएगा, दीपक आ जी आप आ जी आ जाए अनुप, हम कोशिश कर रहे हैं इसी गाड़ियों के काफिले के साथ हम भी शामिल हो जाए और कुछ लोग हैं हम इससे बातचीत भी करें। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? छपरा से आ रहे हैं। छपरा से हाँ। कैसा लग रहा है इसमें शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है। डांस वगैरह किया आप लोगों ने? नहीं अभी तो जा ही रहे हैं। अच्छा अभी जा रहे हैं? कॉलूम ये बाराती है जो तेज प्रताप के विवाह में ये लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, छपरा से पहुंचे हैं, लालू यादव का जो संसदीय क्षेत्र है बरसा विधानसभा क्षेत्र से।
कैमरा में दीपक सागर करेंगे। दीपक आप दिखाते रहिए महाराज बाहर का विधानसभा क्षेत्र का चंद्रिका राम लोग का विधायक है। कितना इंतजार था तेज प्रताप के विवाह क्या तेज प्रताप के विवाह का कितना इंतजार था? बहुत दिनों से बहुत अच्छा इंतजार था। बहुत अच्छा लग रहा है जाने में। अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अनूप ये है तेज प्रताप के विवाह के रौनक। अनूप आनंद कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में भी काफी परेशानी हो रही होगी। हुजूम उमड़ पड़ा है पूरे बारातियों का। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। दीपक दिखाइएगा पुलिस के जवानों की संख्या अच्छी खासी है। सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। सिक्योरिटी के लोग भी इसमें शामिल है और वो भी अच्छे तरीके से बारात मिलिट्री ग्राउंड पहुंचे हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। तो हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस भीड़ में अगर आ भी रहे हैं उन्हें आसानी से बाहर की ओर जाने दिया जा रहा है। और कई लोग हैं इस बारात की सबसे खासियत जैसा कि मैंने आपको बताया अनूप की बड़ी संख्या में लोग हैं। फिर से हमारे साथ एक पूरी टीम है जो छपरा से पहुंची है। भाई एक बात बताइए कितना यादगार पल है आपके लिए? बहुत यादगार पल है हमारे। आप बताइए बहुत कुछ गा दीजिए ना अपने दोस्त के लिए। तेज प्रताप जी आपके क्या है हमारे जो नेता जो भी हो मौके पे कुछ गा दीजिए ना तेज प्रताप जी के लिए। कैसे तेज प्रताप जी के लिए कुछ गा दीजिए ना। हम क्या गाए तेज प्रताप के लिए? दो वर्ड का कुछ गा दीजिए ना दोस्त। तेज प्रताप के लिए क्या क्या गाए सर? गाना वो उससे गाना वो शादी का होता है। हाँ मेरे यार की शादी है आज। मेरे यार की शादी है की तरफ से है ना। अब लड़की वालों की तरफ से चले कोई बात नहीं। आज ये भूल गए कि किस तरफ से है लड़के वाले की तरफ से कि लड़के वाले की तरफ से। लेकिन अनूप हम लगातार जो कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इतनी लंबी कतार है बारातियों की। इतनी लंबी कतार है और बारातियों और सराती दोनों को जाना है वेटनरी ग्राउंड पे। और हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस विवाह समारोह के जो रौनक है। बड़ी संख्या में लोग हैं लालू परिवार के साथ साथ आरजेडी और इसमें दलीय जो सीमा है वो भी टूटी है। जेडीयू के भी कई नेता इसमें शामिल हुए हैं और वो भी इस विवाह समारोह में शामिल हो रहे हैं। यानी कि ये जो विवाह है एक लालू परिवार के लिए ऐसा ओकेजन है जो कि लालू यादव इस पर चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। लेकिन इस बीच में उनके बेटे का विवाह लालू परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है और उन खुशियों के भागीदार हर कोई बनना चाहता है। और यही वजह है कि लालू यादव इस विवाह को यादगार बनाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव का विवाह है और लालू यादव के बड़े बेटे हैं। लालू यादव की सात बेटियों की विवाह हुई लेकिन पहली बार है जब लालू यादव के बेटे का विवाह हो रहा है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं। उनके विवाह समारोह में ये बाराती विक्टोरी ग्राउंड की ओर जा रही है। अनूप आनंद कौन कौन लोग बाराती में शामिल हुए? बहुत सारे वीआईपी मेहमान भी आए हुए हैं। क्या जानकारी मिले कौन कौन इस बाराती में शामिल है? क्या उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है? अपने स्वयं बारात के साथ आगे निकल गए हैं और बारात तो इसमें कोई गिनती नहीं है। पूरे बिहार नहीं पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हरेक लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आदरणीय तेज प्रताप जी की शादी में शामिल होकर के। और सभी लोगों का आशीष उन्हें मिल रहा है। पूरे देश की जनता उनको आशीष दे रही है। सभी लोग आ रहे हैं। तो भोला यादव भी कह रहे हैं कि पूरे देश से लोग पहुंचे शादी में शामिल होने के लिए और बारात तेज प्रताप यादव की निकल पड़ी है। हम तस्वीरें भी आपको पल पल के दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद गाड़ी में है अभिनंदन सबका कर रहे हैं और दुल्हन ऐश्वर्या भी वेटनरी ग्राउंड पहुंच चुकी है। इंतजार है कि कब बाराती वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां कैसे स्वागत होगा। आनंद हमारे साथ लगातार मौजूद है बाराती की शक्ल में वो भी जा रहे हैं। आनंद क्या वीआईपी जो बाराती है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है? कौन कौन वीआईपी बारात में शामिल है कोई जानकारी मिल पाई? शोर बैंड बाजा बाराती है यानी कि आज बैंड जो बैंड की धुन है उसके बीच हमारी आवाज आनंद तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो धुन है उसे देखकर सुनकर हम भी समझ सकते हैं कि शादी का माहौल बिल्कुल जबरदस्त हो गया। यहाँ नाच रहे बाराती खुशी में अपने लालू यादव चंद्रिका राय से सबने मिलन करेंगे और उसके बाद बारात का स्वागत होगा। ऐश्वर्या को करना होगा विवाह स्थल पर। बारात तक पहुंच चुकी है तो आपको बता दें कि हम तमाम द्वार पूजा होगी। उसके बाद फिर है वो तमाम जो आधे घंटे का समय लगा वो पहुंच चुकी है फिलहाल वेटनरी।